भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। चलिए जानते हैं 10 मई की प्रमुख घटनाएं। 10 मई 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने भारत की तत्कालीन राजधानी अकबराबाद आगरा में प्रवेश किया। 10 मई 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पतंग उड़ाने के प्रयोग से बिजली के कंडक्टरों की जांच की। 10 मई 1810 हेनरी डंकन ने स्कॉटलैंड के रूथवेल में दुनिया का पहला वाणिज्यिक बचत बैंक खोला। 10 मई 1849 न्यूयॉर्क शहर में अभिनेता एडविन फॉरेस्ट और विलियम मैकरेडी के बीच एक व्यक्तिगत विवाद एक दंगे में बदल गया जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए और 120 से अधिक घायल हो गए। 10 मई 1855 स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी भारतीय भिक्षु और योगी और परमहंस योगानंद के गुरु का जन्म इसी दिन हुआ था। 10 मई 1857 भारत में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू होता है। मेरठ में सिपाहियों ने अपने कमांडिंग अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। 10 मई 1905 पंकज मलिक बंगाली संगीत और फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी सफल रहे, वो इस दिन पैदा हुए। 10 मई 1908 वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में चर्च सर्विस के दौरान पहला मदर्स डे मनाया गया। 10 मई 1916 नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय खोला गया। 10 मई 1927 अंग्रेजी में लिखने वाली भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 10 मई 1929 भारत के पश्चिम बंगाल में पर्वतारोहण के इतिहास में प्रसिद्ध हस्ती असीम मुखोपाध्याय का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 10 मई 1936 प्रसिद्ध चिकित्सक और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुख्तार अहमद अंसारी का निधन आज ही के दिन हुआ था। 10 मई 1946 जवाहरलाल नेहरू को भारत में कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया था। 10 मई 1949 प्रेरक वक्ता और सामाजिक अधिवक्ता शुद्धानंद ब्रह्मचारी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 10 मई 1951 शास्त्री जी महाराज स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामी थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 10 मई 1980 सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी भारतीय सेना में एक सेवानिवृत्त कमीशन अधिकारी है, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 10 मई 1981 पहली बार दिन और रात का क्रिकेट मैच बम्बई में खेला गया। 10 मई 1991 बेंगलुरु के भारतीय पैरालंपिक तैराक शरद गायकवाड़ का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 10 मई 1993 संतोष यादव दो बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी। 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 10 मई 1997 ईरान के खुरासान प्रांत में 7.3 मेगावाट का भूकंप आया जिसमें 1567 लोग मारे गए, 2300 से अधिक घायल हुए, 50,000 बेघर हो गए और 15,000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया या नष्ट कर दिया। 10 मई 2000 भारत की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंचती है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्मी बच्ची आस्था को प्रतीकात्मक 10वें बच्चे के रूप में चुना गया है। 10 मई 2002 उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी का निधन हो गया। 10 मई 2005 भारत और पाकिस्तान लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर सहमत हुए। 10 मई 2012 दक्षिण पश्चिम एशियाई सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 बम विस्फोटों में 55 लोग मारे गए और 370 अन्य घायल हो गए। 10 मई 2013 वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसी स्थान पर सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारत बन गया जहां 11 सितंबर को आतंकवादी समूह द्वारा ट्विन टावर को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए इसे अक्सर फ्रीडम टावर भी कहा जाता है। 10 मई 2016 भारतीय फर्टिलिटी क्लिनिक ने घोषणा की है कि एक 70 वर्षीय महिला ने सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया है।